वेल well, तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा योगी बाबू समुति रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने क्या वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फ़र्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू यन्नाई और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है एमेजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा योगी बाबू समुति रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने क्या वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू नाई और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंगवेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा योगी बाबू समुति रिकानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की, की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने क्या वाला है तो इस मूवी तो 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 के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि, कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फ़र्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू नाई और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंगवेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा योगी बाबू समुति रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने के वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन तो तो को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू या और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंगवेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉमेसन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा योगी बाबू समुथी रिकानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की, की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने क्या वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू या और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंगवेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर और आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा योगी बाबू समुति रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की, की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने क्या वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू नाई और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेब कर दी गई है एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंगवेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा योगी बाबू समुथी रकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की, की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने के वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू नाई और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेले कर दी गई है Amazon प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा योगी बाबू समुतिरकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की, की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने क्या वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर हाँ एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपेक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू नाई और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेले कर दी गई है एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा योगी बाबू समुति रकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने क्या वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फ़र्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू नाई और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेले कर दी गई है एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल तो सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंगवेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा योगी बाबू समुतिरकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने क्या वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फ़र्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू नाई और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेले कर दी गई है एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंगवेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा योगी बाबू समुति रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने क्या वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फ़र्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू नाई और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेले अवेलेबल कर दी गई है एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा योगी बाबू समुतिरकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की, की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने क्या वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफ़िनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फ़र्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू नाई और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इम्पॉटेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा योगी बाबू समुति रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने क्या वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फ़र्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू या और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेले अवेलेबल कर दी गई है एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा आ, योगी बाबू समुतिर कानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने क्या वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फ़र्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू या और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल जुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा योगी बाबू समुति रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की, की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने क्या वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फ़र्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू या और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है एमजॉन प्राइम वीडियो पर यह वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंगवेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा योगी बाबू समुति रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की, की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने के वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू या और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंगवेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉमेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा योगी बाबू समुथी रिकानी और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने क्या वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात तो करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू या और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंगवेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर और आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा आ, योगी बाबू समुति रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने क्या वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू नाई और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेब कर दी गई है एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंगवेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा आ, योगी बाबू समुति रकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने के वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू नाई और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेले कर दी गई है एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा Yeah, it, योगी बाबू समुतिरकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की, की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने क्या वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपेक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फर्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू नाई और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेले कर दी गई है एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा योगी बाबू समुति रकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने क्या वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फ़र्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू नाई और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेले कर दी गई है एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल well, तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंगवेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा योगी बाबू समुतिरकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने क्या वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फ़र्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू नाई और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेले कर दी गई है एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहां पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंगवेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा आ, योगी बाबू समुति रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की, की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने क्या वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फ़र्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू नाई और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल जुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेले अवेलेबल कर दी गई है एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा वेल तो जी अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं आप लोगों को विशाल की मूवीज़ देखना पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है अगर आप लोग विशाल के फ़ैन हैं तो हाँ आप लोगों को ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इस मूवी के अंदर यहाँ पर आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो प्रज़ेंट की गई है ये मूवी और उसके साथ साथ इस मूवी के अंदर एक्शन भी है ड्रामा भी है रोमांस भी है और भी बहुत कुछ आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस तो देना ही चाहिए यहाँ पर हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने आ, साल 2024 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं तो यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो में इसी पर बात होगी कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी रत्नम के बारे में इस मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर भी इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं तो इस मूवी की कास्टिंग में हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है तो हाँ आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़े एन बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को विशाल देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ प्रिया भवानी शंकर देखने को मिल जाएंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया जिस तरह से गौतम वसुदेव मुरली शर्मा आ, योगी बाबू समुति रिकानी और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी उसी के साथ हम हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की, की सारी की सारी लैंग्वेज कौन सी है हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने क्या वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है और ये चीज़ देखने के बाद मैं लिटरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है हमें इसमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर एक्शन होगा या नहीं और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो तकरीबन ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफ़िनेटली होनी चाहिए आप लोगों को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की भी डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है हरी ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है अगर हम बात करें कि इन्होंने पास्ट में कोई मूवी दी है या ये इनकी फ़र्स्ट एवर मूवी है तो हाँ इन्होंने पास्ट में बहुत सारी मूवीज़ दी हैं जिनमें सिंगम के तीनों पार्ट्स शामिल हैं सामी सामी टू नाई और भी ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो इन्होंने प्रजेंट की हैं जो कि अच्छी मूवीज़ हैं आप लोगों को डेफिनेटली इन मूवीज़ को एक एक चांस देना ही चाहिए आप लोग एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा अभी हम बढ़ते हैं सबसे मेन एंड इम्पॉटेंट क्वेश्चन की जानब जो कि आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर आप लोगों को तमिल ज़ुबान में देखने को मिल रही थी क्योंकि ये प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है जो कि इंडिया में प्योर हिंदी प्लस तमिल दोनों लैंग्वेज में इसे रिलीज़ कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर इंजॉय कीजिएगा